हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र। आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गणपति बप्पा की स्टोरी का ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुका है। और गाइस, अब गोकुलधाम सोसाइटी में नए डॉक्टर हाथी की एंट्री होने वाली है। और गाइस, ये कोई पहली बार नहीं जब तारक मेहता शो में किसी कलाकार का रिप्लेसमेंट हुआ हूँ। गाइस, इससे पहले भी तारक मेहता शो में कई कलाकारों के रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारक मेहता के उन कलाकारों के बारे में जो तारक मेहता में रिप्लेस हो चुके हैं। गाइस, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है तारक मेहता शो में इससे पहले सोडी फैमिली का रिप्लेसमेंट हो चुका है, जिसमें रोशन सिंह सोडी और रोशन भाभी थे। लेकिन तारक मेहता फैंस की भारी डिमांड पर तारक मेहता शो में इन कलाकारों को वापस लाया गया था। गाइस, इसके बाद टप्पू सेना की जोड़ी, जैसा कि आप सभी को पता है कि शुरू में टप्पू और सोनू का किरदार बाबे गांधी और झील मेहता प्ले करते थे, लेकिन इसके बाद किन्हीं कारणों की वजह से इन दोनों को भी रिप्लेस किया गया और रिप्लेसमेंट के बाद इनकी जगह राजनाथकत और निधि भानुशाली ने ली। गाइस, अगर यहाँ पे रिप्लेसमेंट की बात हो ही रही है तो तारक मेहता शो के मेन लीड एक्टर यानी कि दया भाभी के रिप्लेसमेंट की खबरें भी कुछ टाइम पहले आई थी। यानी कि सोशल मीडिया पर ये अफवाह काफी फैली थी कि दया भाभी शो को क्विट कर रही है और उनकी जगह शो में कोई और एक्ट्रेस उनका रोल प्ले करेगी, लेकिन बाद में दया भाभी ने तारक मेहता शो में आकर इस अफवाह को झूठा साबित कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर शो में नए डॉक्टर हाथी आ रहे हैं, जो कि इससे पहले भी तारक मेहता शो में डॉक्टर हाथी का किरदार प्ले कर चुके हैं। और गाइस, तारक मेहता शो का इतिहास रहा है कि जब भी डॉक्टर हाथी की एंट्री हुई है तो कुछ अलग ही तरीके से कुछ यूनिक अंदाज में देखने को मिली है। और गाइस, अब फाइनली ये किरदार तो वही पुराने एक्टर प्ले कर रहे हैं। सो गाइस, देखते हैं कि आखिरकार इनकी एंट्री में हमें क्या नए ट्विस्ट एंड टर्निंग पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो ये सब तो हमें आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, आप बताइए क्या आप डॉक्टर हाथी के किरदार में निर्मल सोनी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? आप अपने कमेंट्स और रिव्यूज अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।